गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का राइट हैंड माने जाने वाला गोल्डी बराड अब अमेरिका की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहा है। कनाडा में रह रहे गोल्डी पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की लंबे अरसे से नजर है और वो उसे वहां से भारत लाना चाहते हैं। कनाडा में गैंग वॉर में कई कत्ल हुए हैं और पंजाब के कई गैंगस्टर कनाडा में जाकर बस गए हैं। गोल्डी अब कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया की नागरिकता लेने के जुगाड़ में लगा हुआ है। इसके लिए वो अमेरिकी नागरिकता वाली किसी लड़की से शादी करना चाहता है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि वो किसी अफ्रीकी मूल की लड़की से शादी कर अमेरिका की नागरिकता लेना चाहता है। ये भी पता चला है कि गोल्डी बराड कनाडा में भी अकेला नहीं है और उसके पास पंजाब और हरियाणा के रहने वाले 7-8 लड़के भी हैं जो गोल्डी के साथ रहते हैं। हाल में गोल्डी के इशारे पर देवेंद्र भांबिया गैंग के 2 बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें से एक गैंगस्टर तो कनाडा में मारा गया जबकि दूसरे गैंगस्टर को सोनीपत में गोल्डी के शूटर्स ने मार गिराया। अगर गोल्डी बराड को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है तो उसके प्रत्यर्पण में भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गोल्डी चाहता है कि वो जल्द से जल्द अमेरिकी नागरिक बन जाए ताकि उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से राहत मिल सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।